गणपति महाराज को बेहद ज़्यादा पसंद है गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, नारियल अर्पण करना, दूर्बा अर्पण करना, और उनकी मूर्ति को लाने के बाद जब आप उनको उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, उन्हें स्थापित करें, सबसे पहले हल्दी लगाकर उन्हें जनेऊ पहनाना। जी हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो अनिवार्य हैं। इसके साथ धनिया उन्हें बहुत पसंद है, गुड़ उन्हें बहुत पसंद है, गुड़ और धनिए का भोग एक साथ लगाना, और बाद में उस धनिए को जब गणपति जी चले जाएं, जितने दिन के लिए भी आप गणेश जी को रखें, उसके बाद उसे गमले के अंदर डालना धनिए को, फिर उसे जो धनिया बनेगा उसे घर में प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, और जितना ज़्यादा धनिया खिल खिल कर उस गमले में आएगा उतनी ज़्यादा तरक्की आप अपने जीवन में करेंगे। ये कुछ चंद उपाय हैं जो आपको ज़रूर गणपति जी के जब उन्हें ला रहे हैं सुपारी लाना, और आज शाम को मैं आपको वो उपाय बताऊंगी जो सामान मैंने आपसे मंगाया था, इंस्टाग्राम पर भी बताऊंगी, 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए मैं बताऊंगी कि जो सामान हम लेकर आए थे उस सामान का हमें करना क्या है और कैसे स्थापित करना है। समय कम है ना, कल का ही तो दिन है, परसों गणपति जी आ रहे हैं। ओए होए, जय माता।